फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप देहरादून से हैं और टीचिंग जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं, बिकॉज इस चैनल पे मैं वीकली देहरादून क्लासिफाइड में जो भी जॉब निकलती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और आज मैं आपके साथ 23 स्कूल शेयर करूंगा। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप इन सभी में अप्लाई कर पाएंगे तो आपको जरूर जॉब मिल जाएगी, तो अप्लाई जरूर करिएगा। बाकी आप किस एरिया से हैं, किस तरह की वैकेंसी सर्च करें वो जरूर बताइए। चलिए पहली वैकेंसी देख लेते हैं। समग्र क्लासेस, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टीचर्स की। और आपको बता दूं, जो स्कूल है ना उससे मच बेटर होता है इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सैलरी आपकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो टीचर फॉर एकेडमिक क्लासेस अप टू 10th मैथ साइंस एंड इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश टीचर, कॉमर्स टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th, रिसेप्शनिस्ट फीमेल, ठीक है, एंड देन सेल्स टीम है। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है वो है मानसिंह देहरादून, शस्त्रधारा रोड, कुल्हन मानसिंह द्वारा देहरादून से ये वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। देन अगली जो वैकेंसीज है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप 2-10 के लिए है ये, और टीचर वैकेंसीज है जिसमें इंग्लिश साइंस मैथ सोशल स्टडीज की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है हैंडसम सैलरी फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, तो कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, आप इनको इनको बात भी कर सकते हैं इनसे, ठीक है। अगला जो स्कूल है द पेस्टल वीट स्कूल, ये स्कूल ये भी देहरादून का है जिसमें लिखा है ओक हिल स्टेट मसूरी डायवर्जन रोड के पास में। अब यहाँ पे देखिए जो वैकेंसीज हैं वो है ब्रशर की, पीएसटी इंग्लिश, पीएसटी मैथ, पीएसटी कॉमर्स की, ठीक है, एंड मेल वार्डन की जरूरत है, जो एनी ग्रेजुएट हो अब जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपके इंटरव्यू की टाइमिंग है मंडे 16 सितंबर को है 11 AM, ठीक, ऑन मंडे 16। तो आप अच्छे बढ़िया से आप अपना जो भी रिज्यूमे है आप अपडेट करके जिसपे फोटो लगी हो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल एड्रॉइट स्कूल, और ये भी देहरादून से है, शस्त्रधारा रोड से वैकेंसीज है, ठीक है। अब जो वैकेंसीज है वो है टीएसटी इंग्लिश, टीएसटी एसएसटी, टीएसटी हिंदी, नर्सरी किंडरगार्टन क्लासेस, नर्सरी किंडरगार्टन असिस्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो होगी इसकी 20 सितंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ईमेल एड्रेस नीचे देखिए मेंशन है HR.करके, तो आप इस पे मेल कर दीजिए अपने रिज्यूमे, ठीक है। अगली जो वैकेंसीज है सेंट जेवियर स्कूल, आपको पता है जैसे कि सेंट जेवियर स्कूल काफी रिप्यूटेड स्कूल है, ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है इसकी ब्रांचेस, एंड देन देहरादून से ये वैकेंसीज है, वॉक इन इंटरव्यू चलेंगे। और देखिए यहाँ लिखा है 16 सितंबर to 20 सितंबर को आपके वॉक इन इंटरव्यू है, आप चाहिए 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया, जिसमें जो क्वालिफिकेशन जो पोस्ट होगी पीएचडी ज्योग्राफी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट जो है मांगा गया, ठीक है। देन अगला जो स्कूल है ओल्ड प्रो स्कूल कंसल्टेंट, वी आर हायरिंग पीए टू डायरेक्टर, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन आगे है पीएचडी ज्योग्राफी, तो पीएचडी ज्योग्राफी के लिए है वैकेंसीज, और 16 to 20 सितंबर को देखिए लिखा है, वॉक इन इंटरव्यू है, आप जा सकते हैं, ठीक है। देन ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप मेल है, देन एड्रेस पूरा दिया हुआ है, होटल मधुवन कंपाउंड 97 राजपुर रोड देहरादून से वैकेंसीज है, ठीक है। अगली जो वैकेंसीज है वो है चैरलिस्ट स्कूल, ये प्रोनाउंसिएशन आप इसका चेक कर लीजिएगा, प्रेम नगर देहरादून से है, तो और टीचर रिक्वायर्ड टू टीच क्लास 6 to 10th की जरूरत है यहाँ पे, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी ग्रेजुएट, ट्रेन बीएड ग्रेजुएट होना चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश ये तो है ही, थ्रू इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे जरूरत है। तो 9 AM to 1 PM के बीच में इनके ऑफिस में आप मिल सकते हैं, ठीक है, सेम स्कूल है ये। अगला स्कूल है माउंट फोर्ट एकेडमिक, ये स्कूल भी इंदिरा नगर देहरादून से है, और इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो है मॉन्टेसरी ट्रेन टॉडलर टीचर की जरूरत है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि क्या होना चाहिए आपके अंदर, वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट टीचर टू फॉस्टर ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट, ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेट विद पेरेंट्स एंड कॉलेज, ठीक है, कलीग्स, तो ज्वाइन आवर टीम टू हेल्प सेफ यंग माइंड्स। तो आप इन जा सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है 18/19/24 बिटवीन 12 PM to 3 PM के बीच में, तो आप जा सकते हैं, ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंगली। अगला स्कूल है जीआरडी एकेडमी, ये भी पटेल नगर देहरादून से वैकेंसीज है, उत्तराखंड से, पीएचडी कंप्यूटर साइंस, आईटी कॉमर्स पेंटिंग की जरूरत है, देन टीएचडी हिंदी संस्कृत इंग्लिश एंड पीआरटी 2
वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रक्टर ऑफ रोबोटिक्स की जरूरत है। तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं 7 डेज के अंदर में आपको ये ईमेल एड्रेस है, इस पे मेल करना है अपने रिज्यूमे को, ठीक है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी कर सकते हैं, और जैसे अगर 1-1.5 साल एक्सपीरियंस है तो आप जरूर जाए। तुला इंटरनेशनल स्कूल से वैकेंसीज है, सेम देहरादून चक्राता रोड देहरादून से वैकेंसीज है। जो जरूरत है वो है पीएचडी पेंटिंग की, हाउस पेरेंट मेल फीमेल, कोच वॉलीबॉल पीटीआई फीमेल, एडमिशन कोऑर्डिनेटर नॉटरी इंचार्ज की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्कूल समर वैली स्कूल है, ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया, और यहाँ जो चाहिए वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। 7 डेज के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। देहरादून में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है टीचर के लिए, जहां तक मैं देख पाता हूँ बहुत अच्छा वैकेंसीज निकलती है। दीपोली किट करके ये स्कूल है, ये भी देहरादून का लेन 4 डलवाना देहरादून से वैकेंसीज है। जो जरूरत है प्री प्राइमरी प्राइमरी टीचर मार्केटिंग मैनेजर, तो अगर हम बात करें कि सिर्फ टीचिंग फील्ड की, तो प्री प्राइमरी प्राइमरी टीचर की जरूरत है जो कॉन्वेंट एजुकेट फीमेल विथ सीटेड एंड टेल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, अगला स्कूल है द दून गर्ल्स स्कूल, रिक्वायर्ड इंग्लिश टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैट्रॉन एंड स्विमिंग कोच पार्ट टाइम की जरूरत है। अब आपको क्या करना है, ये ईमेल एड्रेस नीचे दिया हुआ career@thedoongirlsschool.com पे आपको मेल करना है, या आप कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं इनसे, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर के लिए 4-5 ईयर की एक्सपीरियंस मांगा गया। अगली जो वैकेंसी है द अल्टस इंटरनेशनल स्कूल, और ये जो वैकेंसीज हैं ये भी रामपुर कलन नियर सिलक्की देहरादून से वैकेंसीज हैं। जो जरूरत है यहाँ पे देख लीजिए, पीएचडी टीचर एंड प्री प्राइमरी मदर टीचर की जरूरत है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की ट्रेन एक्सपीरियंस एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप मेल कर दीजिएगा अपने रिज्यूमे। मॉन्टेसरी कैम्ब्रिज स्कूल, ये भी डिफेंस रोड पठानकोट से ये वैकेंसीज निकली हुई है, और हालांकि इसमें सारा वैकेंसीज तो देहरादून का ही होता है, बट ये पठानकोट का आ गया, तो देख लीजिएगा। पीएचडी टीएचडी पीआरटी एनटीटी एंड कोच में बैडमिंटन, चेस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट की जरूरत है। देन हॉस्टल वार्डन चाहिए, तो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ भी है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं किसी भी दिन। देन सैंडलवुड स्कूल है, ये बजरंग वाला रोड शिवालिक इनक्लेव देहरादून से, पीएचडी इंग्लिश की, पीएचडी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की जरूरत है। 17th and 18th को सितंबर 2024 को आपको जाना है 10 a.m. to 12:30 p.m. के बीच में, और अपना इंटरव्यू देना है। देन सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, ये भी राजीव नगर पोस्ट नरगम देहरादून से वैकेंसीज है, पीएचडी केमिस्ट्री 1 and librarian 1 की जरूरत है। तो आप जा सकते हैं, इनका ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हैं। देन अगला स्कूल है मार्शल स्कूल, ठीक है। ये 1 PhD इंग्लिश टीचर की यहाँ पे जरूरत है, 7th class to 12th class को आपको पढ़ाना होगा, और आपको अपने बायोडाटा के साथ आप पहुँच सकते हैं 9 a.m. to 5 p.m. के बीच में इनके स्कूल में, और ये जो है ईस्ट कनल रोड देहरादून से ये वैकेंसीज है, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, ये कोई इंस्टीट्यूट वैसे तो स्कूल है, बट आप जाइए आपको सारी चीजें पता चलेंगी। ये स्कूल है प्ले ग्रुप 2 class 12th का स्कूल है, ठीक है। अगला स्कूल द ज्ञानंदा इंटरनेशनल स्कूल, रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस कई जगह हैं, और यहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है किंडरगार्टन टीचर, एडमिन ब्रांच इंचार्ज, अकाउंटेंट, फ्रेंचाइजी एजुकेटिव एंड हेल्पिंग स्टाफ। तो वॉक इन इंटरव्यू 19, 20, 21 को है, आप जा सकते हैं, और ईमेल एड्रेस मेंशन है, कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, तो आप इनसे बात करके भी जा सकते हैं और एरिया कंफर्म कर सकते हैं। किडजी से वैकेंसी निकली हुई है सरस्तधारा रोड, वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है 17th को 18th को। पोजीशंस जो होंगे प्री स्कूल टीचर, एलिमेंट्री क्लास टीचर एंड काउंसलर की जरूरत है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आई डी मेंशन है, जिसपे आप मेल कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, हायरिंग फॉर ए रिप्यूटेड 40-year-old को एजुकेशन स्कूल अप टू क्लास 8। और ये जो स्कूल है एड्रेस तो नहीं दिया है, बट आप जा सकते हैं। टीएचडी इंग्लिश की यहाँ जरूरत है एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस है, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो स्कूल है
एसेसिया पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th है, देन यहाँ जो रिक्वायरमेंट है पीजीटी इकोनॉमिक्स की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। एलिजिबिलिटी सारी दी हुई है, कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किए गए हैं, और कोई क्वेरी हो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, बाकी अपने रिज्यूमे मेल करके आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं जैसे कि मैंने बताया कि आपको 23 स्कूल्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती रहती है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, एवरी वीक आपको ऐसे ही 20-25 वैकेंसीज मिलेगी, तो अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका किसी भी स्कूल में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आप किस एरिया से हैं, किस तरह की वैकेंसी सर्च करें मुझे जरूर बताएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।